इग्गा, जिसमें अपने किच्चा सुदीप सर भी थे, वो फिल्म डायरेक्ट की थी एसएस राजामौली सर ने, और वो पहली फिल्म थी जो मैंने नानी सर की देखी थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो फिल्म जर्सी का ट्रेलर रिएक्शन वीडियो है, तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। ओके, स्टार्ट। पीडीवी प्रसाद अर्जुन ఉద్యోగం చేసే ఉద్దేశం ఉందా లేదా? నాకు కొంచెం డబ్బులు కావాలి. ఎంత? ఇప్పుడు అదే కొంచెం టైట్ గా ఉంది, 1 మంత్ లో తిరిగి ఇచ్చేస్తా. అయిన ఉపరాంత అర్జెంట్ గా డబ్బులు ఎందుకు నీకు? ఎప్పుడు ఏం అడగలేదు సార్. నీకు అవసరానికి మించి ఆశపడే కొడుకున్న సంపాదించే పెళ్ళం లేదు. నువ్వు ఇంతకు మించి దిగజారవన్న ప్రతిసారి యు ప్రూవ్ మీ రాంగ్. కామ్ నీ హోతా తో నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ సార్. నేను ఈ రోజు నా పెద్ద పాప బయట బతకలేదు. నీ కాడాలని ఇక్కడ ఉన్నా ఫిజికల్ గా కంపించేయలేదు. సత్యరాజ్ సార్, పదేళ్ల క్రితం ఆగిపోయిన నా జీవితాన్ని మళ్ళీ మొదలు పెడతా. ఈస్ బ్లడీ 36 ఇయర్స్ ఓల్డ్. ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది? ఏం చేయమన్నా చేస్తాను సార్, కానీ మళ్ళీ తల్లించుకోలే. ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో ఈ రోజు దాకా నన్ను జడ్జ్ చేయండి, నా కొడుకు ఒక్కడే. వాడి దృష్టిలో నేను కొంచెం తగ్గినా తట్టుకోలేను. ओके, तो अभी आपने जो ये वीडियो देखा वो तेलुगु लैंग्वेज की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जर्सी का ट्रेलर रिएक्शन वीडियो था, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गौतम तिन्नानुरी। और इस फिल्म में लीड रोल में है नानी, श्रद्धा श्रीनाथ, सत्यराज सर, ब्रह्मा जी एंड रोनित कामरा। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध रविचंदर ने, और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 19th of April 2019 को। ओके, तो बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर देख के आपको कुछ अंदाजा लग ही गया होगा कि एक क्रिकेटर की स्टोरी होने वाली है। ये जो स्टोरी आपको बता दूं कि 1986 से 1996 के बीच में होने वाली है। एक क्रिकेटर होता है जो खेल से निकल जाता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं फिर निकल जाता है, उसका वो मेंटल वो प्रॉब्लम में रहता है, गुस्से वाला रहता है वो, उसका अपने टीममेट्स से फाइट भी हो जाता है, फिर उसके पास एक टाइम कोई काम नहीं रहता है, क्रिकेट नहीं खेल रहा होता है वो। तो एक सीन में जैसे आपने देखा कि अपनी वाइफ के पर्स से वो पैसे निकाल रहा है, तो वो एक सिचुएशन में पहुँच जाता है वो। फिर कुछ तो ऐसा होता है कि उसको लगता है कि नहीं अभी तो फिर तो खेलना होगा, लेकिन अभी खेलना होगा तो ठीक है, लेकिन अभी उसकी एज जो है वो 36 ईयर हो गई है, 36 साल का हो गया है वो। और इस टाइम में वापस टीम में आना और अच्छे से खेलना, ये एक कैसे किया उसने, यही फिल्म की स्टोरी है। ओके, तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।